आज भोरे भोर कंप्लेन आ गया है, सब कंप्लेन है छतापुर तरफ का है। आज जो पहली बार आर ओ को चेक करेंगे, आर ओ को लगेबो करेंगे और बाकी कंप्लेन भी है ओकरो देखेंगे, लेकिन आए दिन हमारे स्पेशल है, कहे कि पहला बार आर ओ चेक भी करेंगे और लगेबो करेंगे। हमारे लिए दिन स्पेशल है, पता नहीं आपके लिए क्या है। तो अब हम सीधे मिलेंगे आपको छतापुर हाई स्कूल में, क्योंकि वहीं पे आर ओ जो है चेक करना है। कितना दिन से में दिक्कत? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नल में से जो है पानी आ रहा है कि नहीं, जैसा हमको गाइडिंग मिला है। कहे कि गाइडिंग लेके ना आए हैं, थोड़ा बहुत हम यूट्यूब बाबा से सीखे हैं, यूट्यूब बहुत काम का चीज है। तो ए में जो है पानी आ रहा है नल से, फिर वैसे लगा देते हैं। अब एक फ्रंट वाला जो है ढक्कन खोलेंगे, कहे कि सारा सिस्टम तो ये अंदरे में है। एमें जो है पानी टैंक में नहीं भरता है, पानी जो है नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है एमें। तो वही एक एक करके चेक करना है कि कहाँ फॉल्ट है। है देखिए फॉल्ट कहाँ है, ये कार्बन फिल्टर है ना, एमें एक तरफ से इन किए हैं, आउट में देखिए नहीं ना आ रहा है पानी तेजी में, ये साला जाम है। नहीं तो एमें और खानी स्पीड में पानी आना चाहिए था। ये में फॉल्ट है। तो इस आरओ को जो है चेक कर लिए, इनका जो है कार्बन फिल्टर जाम है, वो चेंज होगा ठीक हो जाएगा। अब इनके बाद हम यहाँ पे एक और पास में ही कंप्लेन है टीवी इंस्टॉलेशन का, तो उन पे पहुँचेंगे और उनको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पहले गर्दा उड़ाया हुआ है टीवी में, नागिन सीरियल चल रहा है, जस्ट टीवी के ऊपर जो है बोला है कि इंस्टॉल करने के लिए। हो गया इंस्टॉल एकदम परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर जो टीवी इंस्टॉलेशन हो गया, अब यहाँ के बाद एक मानगंज गांव पड़ता है ये पास में ही, पश्चिम मानगंज पश्चिम मुस्लिम टोला है। तो वहाँ पर क्या है कि एक वॉशिंग मशीन है जो ऑन नहीं हो पा रहा है, लाइट फाइट कुछ भी नहीं आ रहा है जैसा कस्टमर बोले हैं। तो वही मोहल्ले के पास ही पहुँच गए हैं, पहुँचेंगे अब कस्टमर क्या देखेंगे क्या दिक्कत है उसमें। चलवे नहीं करवाए, नहीं चले दल के कपड़ा कल सर घर लगा नहीं चले। हम भी स्पिन वाला वो जो टाइमर घुमाए हैं तो किरकिरा रहा है, खाली चल रहा है। पानी जो है कल से भर लेती तो वह जो है निकाल रही है, जग से कहले निकाल रही है। हम ये ड्रेन कर देते हैं। बोडवा में टेस्टर घुसा के देखे तो टेस्टर तो पूरे भुकुर भुकुर जल रहा है, एकदम लाइट एकदम ककड़ा के आ रहा है टेस्टर में। मीटर से परफेक्ट तरीके से चेक होगा कि क्या प्रॉब्लम है। है देखिए तो 156 लिखा क्या है, 150 के करीब वोल्टेज आ रहा था। एमा कहीं चले मशीन, इस वॉशिंग मशीन को भी चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, सिर्फ इसके बोर्ड में ही प्रॉब्लम था, इनका जो बिजली वाला बोर्ड है उसमें ही, क्योंकि फेस आ रहा था सिर्फ, न्यूट्रल नहीं आ रहा था। अब न्यूट्रल भी आ रहा होगा, आ रहा था शायद थोड़ा थोड़ा जो है कट के, कहीं से 147 मतलब 150 के करीब वोल्टेज आ रहा था, तो इस पर कैसे चलता वॉशिंग मशीन। तो वहाँ जो है दूसरे बोर्ड से लाइन दिए तो फर्स्ट क्लास जो चलने लगा, ठीक हो गया। अब वहाँ से जो है रिटर्न हो गया, तो अब ये कोड़िया पट्टी अब हमको जाना है। कोड़िया पट्टी का दो कंप्लेन है, अब वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किस पे जाना है। कोड़िया पट्टी में आ गए हम आर ओ इंस्टॉलेशन करने के लिए, ये नया आर ओ आया है खरीद कर और इनको लगाना है जस्ट सामने वाले दीवार पे जो है। पहला बार आर ओ लगा रहे हैं कुछ पूछ करके, तो गलती थोड़ा बहुत हो सकता है भाई। एक जी प्लेट है जो पे टंगेगा ओको हम वाटर लेवल करके ही जो है मार्किंग करके तब ड्रिलिंग करेंगे।
एमे दू गो प्लेट दिया है, तो नीचा वाला पहले ठोक लिए थे हम, ओके बाद ऊपर वाला ठोक रहे हैं प्लेट सेम मार्किंग में। एक सूता इधर उधर नहीं करना, बस क्लिप फंसबे नहीं करेगा एमे। तो एक स्टैंड जो ठोक दी, अब एक उठा के वही पे बस लटका देना। तो इधर टैंक हो गया इंस्टॉल, मतलब हो गया, हो ही जाएगा, लो हो गया। तो अब एक मेन फिल्टर जो है यहीं से सामने टांग देंगे। नया आरओ में फिल्टर सब का कनेक्शन जो है छूटल रहता है, तो ये आगे वाला पैनल खोल के सब फिल्टर का जो कनेक्शन इन आउट देख करके सबको लगा देना है। तो आरओ वाला जो है नल लगाना हमको इसमें, वो जो उसका पतरका वाला वो जो पाइप घुसेगा वो नल से जाएगा सीधा पानी मेन फिल्टर में। तो ये पासे में नल लगल है इनका, तो नल को खोल के वो वाला चीज लगाना है, वाल लगाना है उसमें, ओके बाद वो नल कसना है उस वाल में। अब एमें जो मेन फिल्टर में एल्बो सब दिया कसने के लिए, जब मैं पाइप जो है कनेक्ट करेंगे तो दोनों तरफ से एल्बो कस के आप उसमें पाइप जो है फिट करेंगे। इसमें से डायरेक्ट आएगा इसमें, तब इसमें से कनेक्शन वनेक्शन सब चीज़ कर दिए, हो गया हमारा।